पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज उन्होंने अपना रोड शो जरूर निकाला, लेकिन बड़ी संख्या में उस रोड शो में पुराने कांग्रेसी नजर नहीं आए। वहीं शाम को बैठक बुलाकर इन नेताओं ने इमरान प्रतापगढ़ी का खुलकर विरोध करने का ऐलान किया और इमरान प्रतापगढ़ी वापस जाओ के नारे लगाए। यही नहीं, सपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस नेता देशराज शर्मा ने सीधा आरोप लगाया कि यहां से दोनों पार्टियों ने भाजपा को वॉकओवर दिया है। सूबे में भारी सीटें जीतने के उद्देश्य से कांग्रेस ने जिस तरह से आक्रामक शुरुआत की थी, वो टिकट की कलह पर आकर बिखरती हुई दिख रही है, जो संभाले भी अब नहीं संभल रही। कांग्रेस ने पहले मुरादाबाद सीट से प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर को उम्मीदवार बनाया, फिर उसके बाद उनकी जगह शायर इमरान प्रतापगढ़ी को उम्मीदवार घोषित किया, जिसे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया है और अपना विरोध दर्ज करवाया। लेकिन कांग्रेस हाईकमान इमरान को चुनाव लड़ने के लिए भेज चुकी है। आज कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी ने अपना रोड शो निकाला, लेकिन घनी बस्ती में रोड शो निकालने के बावजूद भी उम्मीद के मुताबिक भीड़ और कार्यकर्ता नहीं जुट सके। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री देशराज शर्मा ने शाम को बैठकर इमरान प्रतापगढ़ी गो बैक के नारे लगवाए और कहा कि हमने पहले ही पार्टी हाईकमान से इस उम्मीदवार को बदलने को कहा था, अब हम इस उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़वाएंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से नासिर कुरैशी को उम्मीदवार बनाने पर भी कांग्रेस नेता देशराज शर्मा ने कहा कि शायद दोनों पार्टियों ने यहां भाजपा को वॉकओवर दे दिया है। उसके संबंध में हमने यहाँ के तमाम नेताओं के साथ, यहाँ एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हमारे राजेश पाल जी रहे हों, चाहे अरविंद चौधरी पीसीसी मेंबर रहे हों या और तमाम नेता रहे हों, हमने दिल्ली में जाके हाईकमान को ये अवगत कराया था कि इस प्रत्याशी को बदला जाए। ये प्रत्याशी किसी भी तरीके से किसी भी मायनों में कांग्रेस के लिए फिट प्रत्याशी नहीं है। हमने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद हमारा विरोध ये था कि इसे बदला जाए। हमने कोई राहुल गांधी जी का या कांग्रेस कमेटी का विरोध नहीं किया। लोग एक गलत बात पैदा करते हैं। हमने इस प्रत्याशी का विरोध किया और इस प्रत्याशी का विरोध हम आज भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज जो रोड शो हुआ, उस रोड शो में इस के प्रत्याशी द्वारा किसी को, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ, या हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों या एनएसयूआई के हों या पीसीसी सदस्य हों, पूर्व पीसीसी सदस्य हों, किसी से भी ये नहीं कहा गया कि आप रोड शो में आइए। और उसी का नतीजा ये हुआ, आज कांग्रेस की जो खजियत हुई है रोड शो में, वो शायद आम जनता को जो हमारी छवि होनी चाहिए कांग्रेस की, वो छवि धूमी हुई है। मैंने राणा गोस्वामी जी जो हमारे इस लोकसभा को देख रहे थे, आर इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, उनसे मेरी सुबह वार्ता हुई। बल्कि आपने सर्किट हाउस में भरे कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में आपने कहा था कि उम्मीदवार मुरादाबाद का लोकल होगा। लोकल में अजय सारा सोनी पूर्व अध्यक्ष हैं, सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो मांग रहे थे, आपके आफ्ताब चौधरी मांग रहे थे, आपके ए पी सिंह खुद मांग रहे थे, आपके रवि अरोड़ा मांग रहे थे, अरविंद चौधरी पी सी सी मेंबर मांग रहे, तमाम लोग यहाँ चुनाव मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे, आप उन्हें दे रहे थे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इनके अलावा भी अगर कांग्रेस के किसी भी निष्ठावान वर्कर को अगर आप यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़वा देते, तो वो मैं समझता हूँ इमरान प्रतापगढ़ी से ज़्यादा वोट लेने की क्षमता रखता है। और हमें ये महसूस होता है, ये लगता है कि इस पर पुनर्विचार इस टिकट पर हो रहा है। अगर इसकी जगह किसी को भी अगर प्रत्याशी बनाया जाता है, तो हम उसका तन मन धन से स्वागत भी करेंगे और चुनाव भी सब लोग लड़ेंगे। और अगर कांग्रेस आलाकमान टिकट बदलने से इनकार करता है, देखिए आलाकमान टिकट बदलने से अगर इनकार करता है तो मैं ही नहीं, मुरादाबाद के हजारों हजार कार्यकर्ता शिथिल होकर घर बैठ जाएंगे, चुनाव लड़ाने के पक्ष में नहीं रहेंगे, घर पर बैठ जाएंगे, कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इसका चुनाव नहीं लड़ेंगे।